अंग्रेजा कब्जा कर गांव विकास पर लगाया ग्रहण। ज्ञात हो कि कुछ रोज पहले ही छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा रोका छैंका अभियान प्रारंभ किया गया है, जिसमें शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा तथा घुमंतु किस्म के पालतू पशुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए त्वरित रूप से कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। तो इधर जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक के अधीन ग्राम जोगीडीपा में गौठान हाई स्कूल तथा शमशान भूमि के लिए प्रस्तावित भूभाग पर गांव के ही 4-5 दबंग व्यक्तियों ने मिलकर बेजा कब्जा करते हुए समूचे ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव को निरर्थक साबित कर दिया है। बताया जाता है कि इनके द्वारा ग्राम विकास के लिए प्रस्तावित वह जमीन जहां पर गौठान हाई स्कूल तथा शमशान घाट का निर्माण किया जाना था, वहां पर इन छुट भैया नेता लोगों के द्वारा बेजा कब्जा कर अतिग्रहित कर लिया गया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि ग्राम विकास के लिए प्रस्तावित भूमि पर पशुओं को रोड पर रखना पड़ रहा है और चारा तक नसीब नहीं हो रहा है। परिणाम यह हो रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में पालतू पशु या कि प्रमुख चौक चौराहों में इधर उधर घूम फिर रहे हैं या फिर कृषक उसे अपने घर में बांध कर रखने के लिए विवश हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के लिए सुरक्षित जमीन पर यदि इसी प्रकार का बेजा कब्जा किया जाता है तो प्रदेश शासन द्वारा रोका छैंका अभियान का हवा निकलने में देर नहीं लगेगी। इसकी शिकायत क्षेत्र के जागरूक लोगों के द्वारा तहसीलदार, SDM तथा कलेक्टर से शिकायत किया जा चुका है। इसके बाद भी बेजा कब्जाधारियों द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया जा रहा है, जिसे लेकर क्षेत्र के कृषक तथा पशुपालक परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, पर समस्या का समाधान नहीं निकल पा रहा है। पूरी खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज़ छत्तीसगढ़, मेरे रिपोर्टर बालेश्वर का सबके साथ। घर बताऊं, ये अजीत जोगी जी ने इसको पट्टा दिया था इन लोग को वृक्षारोपण लगाने के लिए। इन लोग वृक्षारोपण नहीं लगा के सीधा धान लगाए 4-5 साल तक। उसके बाद में पटवारी आया, लाल झंडा गड़िया दिया। लाल झंडा गड़ियाने के बाद में इसमें कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग जब चुनाव जीते हैं तो इसमें प्रस्तावित जगत की है गौठान के लिए। जब इन लोग को पता चला है कि लोग यहाँ पर गौठान बनेगा, इन लोग अभी लॉकडाउन के अंदर में हरी पेड़ पौधा लगाया। अच्छा, और इसको जब पेड़ पौधा लगाया हम लोग देखे हैं तो थाना में शिकायत की है, तहसीलदार के भी पास किए हैं और SDM के पास भी किए हैं, कलेक्टर के पास भी किए हैं। क्या नाम है सर आपका? महेश्वर लहरे। का नाम है आपन? मोर नाम सुखीराम पटेल है। अच्छा, ये गाय मन कैसे बंधा है? ये गाय मन हमर गांव के बहुत बड़े मजबूरी हो गए है कि गली में रोड में बंधा है। काबा 2-4 आदमी हमर गांव के जमीन ला कब्जा कर ले है और कब्जा करके गौठान बनाने देते हैं। और आर्डर तो आ गए हमन तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, पुलिस सब ल दे हन, लेकिन ओमन सरकार है अभी हमन के ऊपर कोज निकाबर है तो ध्यान ही नहीं देते। अब ध्यान नहीं देते तो काय करी, बंद बांध के रखे हैं। क्या नाम है आपका? रमाय पटेल जी। क्या परेशानी है आपके ग्राम पंचायत जोगीडीपा में? परेशानी है सर जी, हम लोग कुछ दिन पहले जब जमीन खाली था ना जी, तो हम लोग दिए गौठान के लिए, हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए और इधर शमशान घाट के लिए प्रस्ताव दिए। तो इन लोग को पता चला तो इन लोग बीजा कब्जा था तो इन लोग क्या किए, पौधे लगा दिए। जब उसको हम लोग मतलब पौधे लाने के मना किए, नहीं माने इन लोग। फिर हम लोग थाना गए, थाना जाने के बाद इन लोग को मना किए, मना करने के बाद इन लोग पौधे लगा दिए। फिर गांव वाले सहयोग से, पंचायत सहयोग, शासन के सहयोग से हमने इसको हटाए। हटाने के बाद भी इन लोग मतलब इसमें आपत्ति लगा रहे हैं कि इसमें गौठान नहीं बनना है। ये जगह जो आप देख रहे हैं ना जी, ये हाई सेकेंडरी स्कूल प्रस्तावित है, इसमें भी मतलब स्टे लगा रहे हैं लोग बनाने के लिए। अगर ऐसे करते हैं तो गाँव का विकास रुकेगा। इसके लिए हमने शासन से सहयोग लिए और हम लोग कलेक्टर के पास गए, उनसे भी हम लोग सहयोग मांगे कि गांव में हाई सेकेंडरी बनना है और शासन का जो महत्वाकांक्षी योजना है गौठान वो बनाना है, परंतु तो इसमें शासन भी कोई मतलब हम लोग को सहयोग प्रदान नहीं कर रही, इससे गांव के विकास में और उत्पन्न हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि शासन हमारे सहयोग करें और अधिक से अधिक गाँव के विकास से बसे। नहीं चाहते जी। क्या नाम है आपका? सर रामायण पटेल।